गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आपको आपकी इंग्लिश की बुक में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रन लेसन, आठवें लेसन रन की हिंदी समझा दी थी, अच्छे से समझा दिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो इसके लिए ये मैंने लिख ली है यहाँ पे। पहला है, व्हाट मूड इन योर व्यू इज कन्वेड बाय द पोएम। कविता में आपके विचार से कैसा मूड दर्शाया गया है। तो कवि का मूड आपको कैसा लगा, क्या बताया था उन्होंने, खुश होने को, तो हैप्पी मूड, खुश मूड, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डज द पोएट टेल अस टू डू एंड व्हाई। हमें कवि ने क्या करने के लिए कहा है और क्यों। तो क्या कहा था, टू रन टुवर्ड्स द कंट्री साइड एंड एन्जॉय द नेचर। शहर से दूर भागकर नेचर यानी प्रकृति का मज़ा लेने को कहा है, यही कहा है ना। तो तीसरा प्रश्न है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट रिपीट्स द वर्ड्स रन अगेन एंड अगेन। तुम्हें क्यों लगता है कि कवि भागो शब्द बार बार क्यों दोहरा रहा है। किस लिए दोहराया था, क्योंकि वो बार बार कहते थे कि कंट्री से बाहर जाओ, यहाँ भागो, हिल साइड्स में या मेडोज में। तो वो किस लिए बार बार कह रहे थे, टू ले स्ट्रेस ऑन हिज मैसेज, अपने संदेश पर जोर देने के लिए कि शहर के शोरगुल वाले माहौल से कवि तो आरामदायक देहात या गांव के माहौल में भी जाओ। लास्ट प्रश्न है, लिस्ट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू गो। उन जगहों के नाम लिखिए जहां कवि चाहता था कि हम जाएं। कौन कौन सी जगह थी, कंट्री साइड शहर से बाहर देहात या गांव में, हिल साइड पहाड़ियों की तरफ, मेडोज चरागाहों आदि की तरफ जाने को कहा है। तो ये इसके मैं आपको पिक भेज दूंगी, आपने ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।